हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे जूलॉजी विषय के बारे में। हमारा पेपर चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर की, हम यहाँ पे बात करेंगे जिसमें कि पहला पेपर हमारा चल रहा है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड पॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे कंप्लीट बीएससी का कोर्स कराने वाले हैं, ठीक है, और इसके जो आपके नोट्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी यूनिट, पूरे टॉपिक हम आपको यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, ठीक है। तो पहला ही हमारा पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट हमने स्टार्ट करी है और पहला ही इसका चैप्टर है जो जियोग्राफिकल रीजंस की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वैसे आप पुरानी वीडियोज देख के आए होंगे, नहीं देखिए तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं चैप्टर यानी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि देखिए जो जियोग्राफिकल रीजंस क्या होते हैं। कि बेसिकली एक वेलेस नाम के साइंटिस्ट आए सबसे पहले हमारे सामने, ठीक है। उन वेलेस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारी जो पूरी अर्थ है उसको टोटल 6 भागों में डिवाइड कर दिया था। और जो डिवाइड करने का आधार उन्होंने बनाया वो ये बनाया कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हमारी अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं, उन वर्टिब्रेट्स जहाँ पर वो रह रहे हैं या जिस स्थान पर वो पाए जाते हैं उस स्थान को उन्होंने उसी आधार पे डिवाइडेशन कर दिया था, ठीक है। इसी के आधार पर अर्थ को टोटल 6 भाग के अंदर डिवाइडेशन किया गया। इसे ही अपन जो जियोग्राफिकल रीजन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनमें से हम 2 रीजन्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरे रीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो अर्थ है इसको इन्होंने टोटल 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें नी आर्कटिक रीजन है, नियो ट्रॉपिकल रीजन था, पैलियार्कटिक रीजन था, इथोफियन रीजन है, ओरिएंटल रीजन है और ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऐसे करके टोटल 6 जियो जियोग्राफिकल रीजन के अंदर इन्होंने इसको डिवाइडेशन किया था। जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसके अंदर पहले हमने पैलियार्कटिक रीजन के बारे में पढ़ लिया और ओरिएंटल रीजन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में अपन नी आर्कटिक रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम टोटल जो 6 जियोग्राफिकल रीजन्स उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो वीडियो है अपना नी आर्कटिक रीजन के ऊपर, कि नी आर्कटिक रीजन कहाँ पाया जाता है, क्या इसके अब मैं आपको बता दूंगी हम वीडियो के अंदर यानी कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नी आर्कटिक रीजन के बारे में देखेंगे और इसकी फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी फिजिकल जो लिमिट्स होती हैं वो कहाँ तक होती हैं, कहाँ तक ये फैला हुआ होता है। उसके बाद बात करेंगे हम इसके क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, कि ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, यहाँ पे क्लाइमेट किस तरीके का पाया जाता है, किस तरीके की जलवायु हमें देखने को मिलती है, टेम्परेचर कैसा होता है, किस प्रकार के वन हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्यूना के बारे में, फ्यूना यानी कि जूलॉजिकल फीचर्स के हमें बात करेंगे, कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से रेप्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं, एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं, और लास्ट में जाके हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ये फर्दर कितने सब क्लासेस के अंदर डिवाइडेशन इसका हो रखा है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट नी आर्कटिक रीजन जो है वो पूरा हो जाएगा और इसी परफॉर्मिंग पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आता है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज यानी कि लिमिट्स, यानी कि ये जो रीजन है नियर क्रिटिक रीजन है, ये बेसिकली फैला कहाँ तक है, इसकी सीमाएं कहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, इसके अंदर आपको पता है कि ये जो ग्रीन पोर्शन है हाईलाइटेड दिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है नियर क्रिटिक रीजन। ये कौन सा रीजन है, नियर क्रिटिक रीजन है, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा देश हमें देखने को मिलता है, यूएसए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि जो अमेरिका है वो वाला पोर्शन हमें देखने को मिलता है। फिर भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। दिस रीजन कंसिस्ट ऑन इट्स नॉर्थ द एंटायर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि इसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमें अमेरिका देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है। इन साउथ ऑफ टू मैक्सिको, यानी कि यहाँ साउथ में मैक्सिको है, मैक्सिको तक ये फैला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक ये फैला हुआ है, साउथ से नॉर्थ तक। इसके अलावा ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रीनलैंड देखने को मिलता है, ये वाला जो पोर्शन है ग्रीनलैंड है, और वेस्ट में हमें आर्कटिक आइसलैंड देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें आर्कटिक आइसलैंड देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो रीजन है कंप्लीट आर्कटिक रीजन की, हमने सीमाएं देख ली, फिजिकल जो इसकी बाउंड्रीज थी वो हमने देख ली, कि नॉर्थ में तो हमें नॉर्थ अमेरिका तक देखने को मिलेगा, साउथ में ये मैक्सिको तक फैला हुआ है, ईस्ट में ये ग्रीनलैंड तक फैला हुआ है, और वेस्ट में हमें आर्कटिक आइसलैंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस तरीके से इसकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, वो बनी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम इसकी फिजिकल और क्लाइमेट फीचर्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्लाइमेट किस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो दिस रीजन एग्जिस्ट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि यहाँ पे हमें एक्सट्रीम लोअर टेम्परेचर देखने को मिलता है। यदि हम इसकी तुलना करें पैलियार्कटिक रीजन से, तो पैलियार्कटिक रीजन जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे जो रीजन है ये पैलियार्कटिक रीजन था, ठीक है, और इसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा रीजन है, यहाँ पे हमें पता है कि पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। इसकी तुलना यदि हम यहाँ से करें तो यहाँ पे और कम टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि पैलियार्कटिक रीजन का जो नॉर्थ रीजन है वहाँ से भी कम टेम्परेचर हमें इसके नॉर्थ रीजन में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पे भी हमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने के लिए मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें टेम्परेचर के अंदर, क्लाइमेट के अंदर देखने को मिलेंगे। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा होगा। इस तरीके का बहुत ज़्यादा वेरिएशन यानी विविधताएं हमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। यदि हम बेस्ट की बात करते हैं, द बेस्ट देयर इज एक्सटेंसिव रेंज ऑफ माउंटेन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि यदि इसके वेस्ट रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है वेस्ट वाला रीजन, यहाँ पे माउंटेन्स की रेंज हमें देखने को मिलती है, रॉकी माउंटेन जो कि यहाँ पे फेमस है, ठीक है, रॉकी माउंटेन की रेंज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। नॉर्थ की बात करते हैं, ठीक है, इन द नॉर्थ इज द आर्कटिक बेल्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की जो आर्कटिक बेल्ट है वो हमें नॉर्थ के अंदर देखने को मिलती है विद फ्रोजन आइस ऑफ अननोन थिकनेस, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्थ वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो नॉर्थ वाला कंप्लीट रीजन है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बर्फ हमें देखने के लिए मिलती है, बहुत ज़्यादा आइस यहाँ पे फैली हुई है और उसकी थिकनेस भी हमें पता नहीं है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ हमें देखने के लिए मिलती है। यदि हम इसके ईस्टर्न वाले पार्ट की बात करेंगे, ईस्टर्न पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आज डेसिडुअस और मिक्स्ड फॉरेस्ट, यानी कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर हमें फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि वन देखने के लिए हमें मिलते हैं, और कैसे वन, मिक्स्ड प्रकार के वन हमें देखने के मिलते हैं। इसके अलावा डेसीड्यूस, डेसीड्यूस का मतलब होता है जो पतझड़ में जो पत्ते झड़ते हैं उस प्रकार के जो वन पेड़ जो पाए जाते हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। एक्सटेंसिव, और देखिए आगे, एक्सटेंसिव ग्रीनलैंड इन द सेंट्रल पार्ट एंड डेजर्ट इन द साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है इसका, ठीक है, नी आर्कटिक रीजन का जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पे हमें ग्रीनलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि भूमि वाले मैदान, यानी कि हरे भरे मैदान हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो साउथ वेस्ट में जो पोर्शन है वहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलेगा, रेगिस्तान देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके का जो क्लाइमेट है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्फ हमें देखने के लिए मिल रही है, कहीं पे हमें रेगिस्तान देखने के मिल रहा है, कहीं पे हमें वन देखने के लिए मिल रहे हैं, कहीं पे फॉरेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, कहीं पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पादप देखने के मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रेट वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है किसके अंदर, क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिजिकल और क्लाइमेट फीचर्स की भी बात कर ली। आगे अपन बढ़ते हैं जूलॉजिकल कैरेक्टर्स की, यहाँ पे अपन फ्यूना की बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से जूलॉजिकल कैरेक्टर्स इस आर्कटिक रीजन के अंदर, नी आर्कटिक रीजन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो द नी आर्कटिक, ये नी आर्कटिक लिखा हुआ है, द नी आर्कटिक फ्यूना शोज कंसिडरेबल रिजम्बलेंस टू द फ्यूना ऑफ पेरी आर्कटिक रीजन, यानी कि जो नी आर्कटिक रीजन है इसकी जो रिजम्बलेंस है, कंसिडरेबल रिजम्बलेंस हमें देखने को मिलती है किसके द्वारा, पेरी आर्कटिक रीजन के फ्यूना के साथ, यानी कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे उनकी समानता हमें देखने को मिलेगी, कैसी, जैसी पेरी आर्कटिक रीजन के अंदर जो एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे थे उनके साथ बहुत ज़्यादा समानता हमें देखने के लिए मिलती है। लगभग 120 फैमिलीज यहाँ पे देखने को मिलती है, इन 120 फैमिलीज में से 26 फैमिली जो है वो मैमल्स की हैं, 26 फैमिलीज, इसके अलावा 49 फैमिली हैं वो बर्ड्स की हैं, 21 फैमिलीज हैं वो रेप्टाइल्स की हैं, और 14 फैमिलीज हैं वो एम्फीबियंस की हैं। इसके अलावा 24 फैमिलीज जो हैं वो किसकी हैं, फिशेज की, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे 120 फैमिलीज हमें टोटल देखने को मिलती है, जिसके अंदर 26 फैमिली आपकी मैमल्स की हैं, 49 फैमिलीज आपकी बर्ड्स की हैं, 21 फैमिलीज आपकी रेप्टाइल्स की हैं, 14 एम्फीबियंस की हैं, और 24 फैमिलीज कैसी हैं, फिशेज की हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एक एक फैमिली की, यानी एक एक जो क्लास है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली क्लास हमारे सामने आ जाती है, देखिए सबसे पहली क्लास आ जाती है हमारे सामने फिशेज, फिशेज की हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी फिशेज हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, द नी आर्कटिक फिशेज इंक्लूड पैडल फिश, बाउफिन्स, सम कैट फिशेज, स्टरगन्स, परचेस एंड साइपरिडोन्स, थैलीइक्टिस जो फ्रेश वाटर के अंदर मछली पाई जाती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी फिशेज हो गई, पैडल फिश हो गई, बाउफिन्स हो गई, कैट फिशेज हो गई, स्टरगन्स हो गई, परचेस हो गई, ये फिश हमें देखने के लिए मिलती है। ये फिशेज की प्रजाति हैं, स्पीसीज भी हमने यहाँ पे बता दी हैं आपके लिए, और ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे स्टरगन्स है, ठीक है, ये परचेस है, इस तरीके की फिशेज भी मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बात आती है हमारे सामने एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे। तो एम्फीबियंस की स्पीसीज की हम यहाँ पे बात करें तो टेल्ड एम्फीबियंस डोमिनेट द एम्फीबियन फ्यूना, यानी कि एम्फीबियन फ्यूना की हम बात करें तो यहाँ पर टेल्ड एम्फीबियंस की क्या होती है, डोमिनेंसी होती है, यानी कि पूंछ वाले जितने भी एम्फीबियंस हैं जिसके अंदर आपके सेलामेंडर वगैरह आते हैं इनकी यहाँ पर डोमिनेंसी हमें देखने को मिलती है। सम ऑफ देम आर कन्फर्म टू दिस रीजन ओनली, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसी रीजन में पाए जाएंगे, वेयर इज अदर आर शेयर्ड विद पैलीआर्कटिक रीजन, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि पैलीआर्कटिक रीजन में भी हमें देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन से हैं, जैसे आपके सेलामेंडर्स हो गए, एम्फीनिमा हो गया, एम्फीस्ट्रोमा हो गया, एक्सोलोटल लार्वा हो गया, ये सब क्या है, पैलीआर्कटिक रीजन के साथ समानता दिखाते हैं, यानी कि वहाँ पे भी दिखाई देते हैं हमें और यहाँ पे भी ये दिखाई देते हैं, ठीक है। टेललेस एम्फीबियंस कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे, जैसे ब्यूफो हो गया, हाइला हो गया, राना हो गया, यानी कि जो आपके मेंढक होते हैं ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये कैसे हैं, टेललेस एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी, रेप्टाइल्स की, कि रेप्टाइल्स के जो फ्यूनास हैं वो कौन कौन से हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो वो देखिए, द कॉमन न्यू आर्कटिक रेप्टाइल्स आर ट्रायोनिक्स, टर्टल, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स, ये कॉमन है, हर जगह हमें देखने के लिए मिलते हैं। कॉमन स्नेक्स कौन कौन से हैं जो इस रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, पिट वाइपर हमें देखने के लिए मिलेगा, कोस्टल स्नेक हमें देखने को मिलेंगे, कोल्यूबर्स हमें देखने के लिए मिलेगा, रेटल, पीट्यूफिस हमें देखने को मिलेगा, कोनोफिस हमें देखने को मिलेगा। ये सारे कैसे हैं, एक
कॉमन स्नेक्स हैं जो कि हमें बेसिकली देखने के मिलेंगे, सामान्य रूप से हमें देखने के मिलेंगे, लेकिन काइलोमेनिस्कस एक स्नेक है जो कि एक्सक्लूसिवली इस रीजन के अंदर ही हमें देखने को मिला है, इसके अलावा ये कहीं पे भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये डायग्राम के अंदर आप सारे स्नेक्स हैं वो मैंने लगा दिए हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन वर्ड्स की, हमारे सामने बात आती है कि कौन कौन सी वर्ड्स की स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो नी आर्कटिक वर्ड्स आर स्टिल लेस डिफरेंशिएटेड एंड प्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ पैलीआर्कटिक एंड न्यू ट्रॉपिकल रीजंस, यानी कि यहाँ पे यदि हम नी आर्कटिक वर्ड्स की बात करें तो कोई स्पेशल वर्ड्स की स्पीसीज हमें देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन कुछ मिक्सचर देखने के लिए मिलता है। मिक्सचर किस किस का, कि कुछ वर्ड्स ऐसी होंगी जो पैलीआर्कटिक रीजंस के अंदर पाई जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो न्यू ट्रॉपिकल रीजंस के अंदर पाई जाएंगी। इन दोनों रीजंस के जो मिक्सचर में जो वर्ड्स पाई जाती हैं वो यहाँ पे आके रहने लगती हैं या फिर वो हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड्स की हम बात करते हैं, उसके अंदर आप क्रीप्स हो गया, लून्स हो गए, पेलिकेंस हो गए, हॉक्स हो गए, हेरोन्स हो गए, वुल्सर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा डक्स हो गई, क्वेल्स हो गए, रेल्स हो गए, पिजन्स हो गए, आउल, किंगफिशर, वुडपैकर्स, ये सारे के सारे कैसे हैं, कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, कोई स्पेशल वर्ड्स हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए मैमल्स की बात आती है अब हमारे सामने कि मैमल्स कौन कौन से हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्या होगा, दीज आर अबाउट 25-26 फैमिलीज ऑफ मैमल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर बाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि लगभग 25-26 फैमिलीज आपकी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी मैमल्स की, और इनमें भी ज़्यादातर क्या होंगी, बाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, यानी कि बहुत दूर दूर हमें देखने के लिए मिलेंगे। कॉमन मैमल्स की हम बात करें, इसके अंदर रैबिट्स हो गए, स्क्वेल्स हो गई, मोल्स, कैट्स, बैट्स, बियर्स, डियर, फ्लाइंग स्क्वेल्स, जंपिंग माइस, ये सारे कैसे मैमल्स हैं, कॉमन मैमल्स हैं जो कि लगभग हमें देखने के मिलेंगे, लेकिन कुछ पेक्यूलर फॉर्म्स भी हैं जो कि हमें सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपके अमेरिकन वेडगर्स हो गए, स्टार नोज्ड मोल हो गया, लॉन्ग लेग्ड बैट्स हो गए। ठीक है, स्टार नोज मोल यानी कि जैसे कि सितारे जैसी नोज होगी वो हमें देखने के लिए मिलेगा, लॉन्ग लेग्ड बैट्स यानी कि कुछ की इसके अंदर आप देख पा रहे हैं तो ये लॉन्ग लेग्ड बैट्स हैं जिसकी बहुत लंबी लंबी टांगें हैं वो हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ पेक्यूलर फॉर्म्स हो गई मैमल्स की जो कि सिर्फ यहीं पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। आगे हम इसकी डिवाइडेशन की बात करते हैं कि ये आगे सब चार सब रीजन्स के अंदर डिवाइडेड हैं, वो सब रीजन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कैलिफोर्नियन सब रीजन हो गया अपने सामने, दूसरा रॉकी माउंटेन रीजन हो गया, जिस रीजन के अंदर रॉकी माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं, यानी वेस्ट रीजन के अंदर हमें रॉकी माउंटेन देखने की मिलती है तो उसको इन्होंने अलग कर दिया। इसके बाद एलिगेनी सब रीजन्स हो गया, इसके अलावा कैनेडियन सब रीजन्स हो गया, तो ये सब रीजन्स के अंदर भी डिवाइडेशन कर दिया। कितने सब रीजन्स यहाँ पे बताए गए, चार सब रीजन्स यहाँ पे बताए गए। इस तरीके से आपका जो नी आर्कटिक रीजन है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, और आपको कंप्लीट हो जाने के बाद ये सारी चीज़ें ही आपको लिखनी होंगी, पेपर में आपको कंप्लीट ये मार्क्स देके जाएगा। ठीक है।